तो गाइस हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल वन लाइक टू राइड। तो कुछ दिन पहले अल्टीमेटली 15 टू 20 डेज पहले मैंने पोस्ट किया था मेरा जो सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है वहाँ पे मैंने बोला था कि मैं एक सीरीज शुरू करने जा रहा हूँ लेट्स टॉक नाम से। तो मैं इस सीरीज में आप लोगों से वो सब मतलब जो भी कंफ्यूजिंग चीज़ है कि सपोज़ इस बाइक उस बाइक से बेहतर है या ख़राब है, या फिर मैं इस बाइक को लूँ या फिर उस बाइक को ना लूँ, या फिर वही जो सब मतलब कंफ्यूजन चीज़ें जो है वो मैं आप लोगों को इस सीरीज के द्वारा आप लोगों से शेयर करने जा रहा हूँ। तो पहली बात तो मेरा जो सारा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ, तो प्लीज़ वहाँ जाके आप मेरे को फेसबुक ट्विटर तो इतना ज़्यादा मैं यूज़ नहीं करता, फेसबुक और इंस्टाग्राम पे मैं अपडेट रहता हूँ, तो प्लीज़ मुझे वो फेसबुक और इंस्टाग्राम पे फॉलो करो। और आप लोगों को अगर कुछ डाउट हो तो मुझे बताएं फेसबुक या फिर इंस्टाग्राम या फिर कॉमेंट सेक्शन पर। तो एनीवेज इस वीडियो है BMW के GS310 और G310R के बारे में, हमारा पसंदीदा बाइक। तो चलिए शुरू करते हैं। पहली बात तो ये है कि BMW ने हाल ही में उनका जो 310 GS और G310R लॉन्च कर दिया है, और उसके पहले ही 10-15 दिन पहले ही उन लोगों ने बुकिंग स्टार्ट कर दिया था। तो उन लोगों का जो स्टेटमेंट है उसके हिसाब से रिस्पॉन्स काफ़ी बढ़िया रहा, लेकिन अभी एक हफ्ता हो गया शायद उनका जो ऑफिशियल लॉन्च डेट था। तो जब उनका प्राइस रिवील हुआ तो मुझे काफ़ी एक्सपेंसिव लगा, मैं इतना एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। मुझे लगा था कि थोड़ा एक्सपेंसिव होगा क्योंकि ऑब्वियसली BMW का बाइक है, इंडिया में मैन्युफैक्चर हुआ तो क्या हुआ, BMW का बाइक है, TVS के फैक्ट्री में बना या फिर TVS के साथ कोलैब करके बना, या फिर भी कॉस्ट तो इतना मतलब ज़्यादा उन लोगों को नहीं गया, मतलब TVS के साथ कोलैब करने के वजह से थोड़ा कॉस्ट कटिंग हुआ, लेकिन मुझे पहले ही लगा था कि थोड़ा तो एक्सपेंसिव होगा। मैं सोच रहा था कि GS का जो प्राइस टैग है वो मैक्सिमम ऑन रोड 3.5 लाख तक जाएगा, और जो G310R है उसका जो प्राइस है वो 3 लाख के आसपास तो रहेगा। लेकिन अभी दिक्कत ये है कि G310R का जो एक शोरूम प्राइस है वो है 2.99 लाख एक शोरूम दिल्ली, और BMW G310R GS का जो इसमें मैं आपको दिखा देता हूँ 3.49 लाख एक शोरूम दिल्ली। तो अभी मेरे टॉप होने में तो GS का जो ऑन रोड प्राइस है उसको एक बार चेक करते हैं। तो मेरा फोकस कर रहा है कि नहीं, तो इसमें दिखा रहा है कि 4.19 लाख, तो अल्टीमेटली 4.25 लाख आप पकड़ लो क्योंकि थोड़ा बहुत उसका मतलब समझ गया ना। तो अभी सिंगल सिलेंडर इंजन के लिए 4.25 लाख इट्स टू एक्सपेंसिव मेरे ख्याल से, और इसका GS का प्राइस एक बार चेक करते हैं हम लोग। हाँ, तो G310R का जो ऑन रोड प्राइस है 3.61 और समथिंग लाख, तो 3,62,000 रुपीज़ इधर दिखा रहा है, लेकिन आप पकड़ लो 3,65,000 3.65 लाख। तो पहली बात तो माना कि ये BMW का बाइक है, लेकिन पहली बात तो इसका पावर आउटपुट के बारे में आपको एक बार बोल देता हूँ। यह सिंगल सिलेंडर 313 cc लिक्विड कूल
28 न्यूटन मीटर ये प्रोड्यूस करता है, और इसका जो मैक्स पावर है ये है 34 PS एट 9500 RPM, और ऑफिशियल टॉप स्पीड इधर दिखा रहा है कि 143 kmph, ABS 12 चैनल ABS है, और हेडलैम्प ट्रेडिशनल हेलोजन हेडलैम्प है, ना ही LED है और ना ही ऑब्वियसली प्रोजेक्टर हेडलैम्प। तो अगर आपको ये बाइक मतलब ख़रीदना है, पहले बात तो मैं ये डाउट आप लोगों को क्लियर कर दूँ कि जो GS310R है मतलब GS310 वो एडवेंचर बाइक है। हाँ मतलब वो लोग बोल रहे कि मतलब बोल नहीं रहे ये एडवेंचर कैटेगरी की ये बाइक है, लेकिन आप इसमें ट्रेवल कर सकते हो, आराम से कर सकते हो, लेकिन ऑफ रोड इट्स नॉट एन हार्डकोर ऑफ रोडिंग मशीन या फिर परफेक्ट ऑफ रोडिंग मशीन, क्योंकि अगर आपको परफेक्ट ऑफ रोडिंग करना है तो पहली बात तो स्पोक फिल्टर लगेगा, उसके बाद थोड़ा सस्पेंशन सेटअप, हालांकि इसमें ट्रेवल सस्पेंशन दिया गया है लेकिन पहली बात है इसमें स्पोक व्हील लगेगा, लेकिन इसमें है एलॉय व्हील, तो आप इसको ऑफ रोड कर सकते हैं लेकिन इतना मतलब बहुत ज़्यादा मतलब एकदम एक्सट्रीम ऑफ रोड नहीं कर सकते, पहली बात तो ये है। अगर और इसका जो राइड क्वालिटी है वो ऑब्वियसली अच्छा रहेगा, और सीट हाइट काफ़ी ऊँचा रहेगा, तो इसकी वजह से अगर शॉर्ट हाइट वाले लोग जो रहेंगे वो उसको थोड़ा तकलीफ हो सकता है। तो काफ़ी एक्सपेंसिव है बाइक, और इसमें कुछ चीज़ें उन लोगों ने ऑफर किया है कि आई थिंक 3 ईयर्स तक अनलिमिटेड किलोमीटर पर उसका वारंटी रहेगा, तो ये काफ़ी अच्छी बात है, जो लोग बहुत ज़्यादा ट्रेवल करते हैं तो उन लोगों के लिए अच्छी बात है कि अनलिमिटेड किलोमीटर्स पर उनका वारंटी रहेगा 3 ईयर्स या फिर 2 ईयर्स, आई थिंक 2 ईयर्स या फिर 3 ईयर्स जो भी है, तो वो एक अच्छी बात है। और इसका जो फिट एंड फिनिश है वो काफ़ी टॉप नॉच है, तो उसके हिसाब से थोड़ा आप लोग मतलब एक्सपेक्ट कर रहे हो कि मतलब प्राइस के हिसाब से तो टॉप नॉच क्वालिटी है जो बिल्ड क्वालिटी है, लेकिन फिर भी एक सिंगल सिलेंडर इंजन के लिए इतना पैसा थोड़ा ज़्यादा रहता है 4.5 लाख। तो प्रॉब्लम यह है कि अगर आप ड्यूल मतलब सिलेंडर होता तो कुछ बोल सकते कि ये सही रहेगा, और हम लोग इंडियन हैं तो हम लोग कंपेयर तो करेंगे। तो अभी न्यूली लॉन्च हो गया है कावासाकी का निंजा 300 का 2018 मॉडल, जिसमें ड्यूल चैनल ABS है, और अभी ये इंडिया में मैन्युफैक्चर होने जा रहे हैं मतलब हो गया, तो इसके लिए प्राइस काफ़ी लो हो गया है, तो इसका भी 2.99 लाख आई थिंक एक शोरूम प्राइस है, तो जीएस के हिसाब से ये काफ़ी जो प्राइस है वो कम है, G310R के बराबर के प्राइस है, उसमें आपको दो ट्विन सिलेंडर मिल रहा है, पेरल ट्विन इंजन, और ज़्यादा पावर भी मिल रहा है, और सब लोग जानते हैं कि निंजा कावासाकी निंजा का क्वालिटी इतने सालों से चल रहा है यार, और राइड क्वालिटी कैसा है, और आप इस पे लॉन्ग टूर आराम से कर सकते हैं, फ्यूल टैंक भी भरा है काफ़ी। तो मेरे ख्याल से अभी BMW को कुछ प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा, क्योंकि अभी निंजा अभी देखो निंजा का जो क्रेज़ है हम सब के मतलब दिलों में बसा हुआ है, तो हम सब लोग सोचते हैं कि हमें निंजा लेना है, लेकिन पहले जनरेशन में थोड़ा ज़्यादा प्राइस था, इसकी वजह से हमारे थोड़ा मुश्किल था। अभी BMW भी लेना चाहते हैं हम लोग, लेकिन अभी देखो अगर हम वही प्राइस पे ट्विन फेरल ट्विन मोटर मिल रहा है हमको, और काफ़ी अच्छी क्वालिटी दोनों ही अच्छा है, BMW है और कावासाकी है, लेकिन पावर भी ज़्यादा मिल रहा है, तो फुल फेयरिंग मिल रहा है, तो ऑब्वियसली हम लोग निंजा ही चूज़ करेंगे ना, मेरे ख्याल से मैं ऑब्वियसली निंजा चूज़ करूँगा, क्योंकि देखो यार मैं एक रिप्यूटेड कंपनी या फिर मतलब क्या बोलो BMW के नाम पे इतना पैसा नहीं देने वाला, क्योंकि अगर उन लोगों का जो बाइक रहता बाइक जो है GS या फिर G310R उसका अगर पावर आपको ज़्यादा रहता, अगर जस्टिसेबल रहता प्राइस के हिसाब से इंजन, तो मैं मतलब अभी तो मैं फ़िलहाल नहीं ख़रीदने वाला, लेकिन मैं अपना ओपिनियन बता रहा हूँ, तो यही है बात। तो और एक चीज़ है KTM एडवेंचर 390 भी आ रहा है 2019 में, तो उन लोगों ने भी BMW के जो ऑफिशियली स्टेटमेंट दिया था उसके कुछ दिन बाद ही
उन लोगों ने भी ऑफिशियल स्टेटमेंट दिया कि 2019 में जो KTM का एडवेंचर 390 आने वाला है। अभी देखो बॉस, इसमें जो KTM 390 एडवेंचर है उसमें एकदम वो लोग तो पहले आप लोगों को बता दो कि KTM पहले मतलब फर्स्ट जनरेशन से जब बाइक बनाना स्टार्ट किया तो उन लोगों ने पहले जो रैली बाइक या फिर ऑफ रोडिंग बाइक्स द डार्ट बाइक जो बोलते हैं वो लोग उनका मैन्युफैक्चरिंग करते थे। और डाकर रैली ऐसा कुछ बहुत सारे रैली होते हैं तो उनमें बहुत बार ये विनर रह चुके हैं। तो मैं ये बोल रहा हूँ कि अभी ये लोग जो 390 एडवेंचर को इंडिया में ला रहे हैं तो ऑब्वियसली एकदम अच्छा वाला प्राइस पे, प्राइस तो सही रहेगा क्योंकि बजाज के साथ उनका जो कोलैबोरेशन है इसकी वजह से प्राइस भी काफ़ी लो भी मतलब जस्टिसेबल रहेगा। और तो अभी समझ जाओ कि अगर आपको मतलब एडवेंचर बाइक चाहिए तो अगर आपके पास पैसा है तो जीएस बेजिजक ले सकते हो, लेकिन मैं कहूँगा कि थोड़ा वेट करो क्योंकि अभी मार्केट में एक्सट्रीम ऑफ रोडिंग के लिए तो हिमालयन ही अभी अवेलेबल है जो इतना रिलेबल नहीं है और इसमें एबीएस भी नहीं है। और हीरो का एक्सट्रीम भी आ रहा है जो कि 100 पावर है और कब लॉन्च होगा ये पता नहीं। और BMW तो एक्सट्रीम ऑफ रोडिंग के लिए नहीं है, सिर्फ हैवी टूर कर सकते हो या फिर टूरिंग बाइक है ये। तो KTM एक अच्छा ऑप्शन बन सकता है अगर आपको थोड़ा वेट करना मंजूर है। तो मेरे ख्याल से थोड़ा अगर वेट कर सकते हो तो KTM 390 एडवेंचर को थोड़ा देखो कि अगर अच्छा लगे तो वो आप खरीद सकते हो, वो बेहतर वैल्यू प्रोवाइड करेगा आपको क्योंकि BMW का प्राइस भी ज़्यादा है, मेंटेनेंस भी बहुत ज़्यादा हाई होगा और इसका पार्ट्स का अवेलेबिलिटी बहुत कम होगा क्योंकि BMW मोटोराइड का इतना डीलरशिप नहीं होता KTM का। तो अभी हर जगह मतलब हो गया है तो कुछ कुछ डिस्टेंस के मतलब अंदर में। तो मेरे ख्याल से KTM बेस्ट रहेगा आपके लिए बाइक करने में या फिर रनिंग करने में या फिर मेंटेनेंस करने में। तो लेट्स टॉक का फर्स्ट एपिसोड ये पे ख़त्म करते हैं। तो प्लीज़ कमेंट करो कि कैसा लगा, आपको कुछ डाउट है कि कुछ बाइक्स के बारे में तो प्लीज़ कमेंट करके बोलो, तो मैं ट्राई करता हूँ कि इसे वीडियो मैं बनाता रहूँ और आप लोग प्लीज़ सपोर्ट करते रहिए। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज, प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड कुछ सपोर्ट कर दो यार। एनीवेज थैंक यू एंड डोंट बी स्क्विड, बी ए राइडर।